हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों को सवालों का जवाब देने आए हैं। बहुत लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं कि हम लोग की लड़ाई हो गई है कि दिवाली का वीडियो क्यों नहीं आया, धनतेरस पे क्यों नहीं कुछ ली, उसका अपलोड नहीं की। तो हम तो उसका ब्लॉग बना दिए थे कि कुछ रीजन है, हम बता देंगे आप लोगों से। तो उसमें बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि दीदी दिवाली क्यों नहीं मना, क्यों नहीं मना। और हम पिछले साल का जो दिवाली का वीडियो डाले थे ना, वो मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा चला, वायरल हुआ है। 6 मिलियन गया ना व्यूज, 6 मिलियन। 6 मिलियन व्यूज गया, 60 लाख लोग देखा। उसमें 5-6 वीडियो है दिवाली के, मेरा मैंने अलग अलग है, कहीं दीप जलाने का, कहीं छोटी छोटी जलाने का। और सारे पुराने वीडियो थे जिसपे अच्छे खासे व्यूज गए, हाँ, और नई वीडियो हम बना नहीं पाए क्योंकि उसका कुछ रीजन रीजन था। है। और ना ये 5 वीडियो जो अपलोड हुआ है ना, किसी पे 1 मिलियन, किसी पे 1.2 मिलियन, किसी पे 6 मिलियन, 800 के, 900 के, 100 के, मैंने ऐसे ही गया। अच्छा खासा व्यूज गया, बहुत अच्छा चला है मेरा, 1 वीक में पूरा अच्छा चला है चैनल। और क्या कहना चाहेंगे आप? लड़ाई हुई हम लोग की। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ एक्चुअली क्या है कि हमारी फैमिली में एक भैया है, हाँ कज़न ब्रदर है हमारे, एक्सपायर कर गए थे। सो हमारा जो हिंदू धर्म में होता है कि हम कोई भी तीज त्यौहार नहीं मनाते हैं 13 दिन तक, और 6 महीने तक बनाना पड़ता है। पहले के ज़माने में 1 साल तो होता था, 1 साल 2 साल, बट धीरे धीरे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, नीचे चीज़ें धीरे धीरे मॉडर्न होती जा रही है, तो अभी कुछ लोग 6 महीने करते हैं, कुछ लोग 13 दिन करते हैं, कुछ लोग 1 महीना करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है किसी किसी कास्ट में कि उनको एक त्यौहार छोड़ना पड़ता है, कई लोगों में ऐसा होता है कि 1 साल तक छोड़ना होता है। तो सबके अलग अलग कस्टम्स होते हैं, कोई सबका अलग अलग मतलब होता है, मान्यता होती है, उसके अकॉर्डिंगली लोग चलते हैं। और अभी हमारे में पूजा पाठ कुछ भी नहीं होती, हमारे में सूतक लग जाता है मंदिर जो बंद कि है। अशुभ सूतक होता है। सूतक भी 2 तरह के होते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है तब भी सूतक लगता है, जब कोई एक्सपायर होता है तब भी सूतक लगता है। सो जो बच्चा जब पैदा होता है तब जो सूतक लगता है उसको शुभ सूतक बोलते हैं, बट जब कोई एक्सपायर होता है तो अशुभ सूतक बोलते हैं, जिसमें देवी देवताओं को हम नहीं छू सकते हैं। सो इसलिए जब वो एक्सपायर हुए तो हमने सूतक लग गया था, तो हमने मंदिर वगैरह बंद कर दिया। उसी बीच में काफ़ी सारे त्यौहार थे, एटलीस्ट हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो हमारा महापर्व जो होता है छठ पूजा, छठ पूजा है। वो भी हम इस साल नहीं सेलिब्रेट करेंगे। हाँ सो यही कुछ रीजन थे जो कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि वीडियो कहाँ है, धनतेरस नहीं, की वीडियो कहाँ लोग है। ये लग रहा था ना कि अपलोड कर दी थी दिवाली का, हम लोग अच्छा, शॉपिंग कर लिए थे ना, मूर्ति उर्ति ले लिए थे, तो हाँ फिर बोल रहे आप लोग। लोगों ने देखा होगा जब हम हाँ सदर बाजार गए थे, वहाँ से हमने मूर्ति वगैरह ली थी, कई मार्केटिंग की थी हमने, शॉपिंग की थी दिवाली के लिए, क्योंकि इस घर में हमारी पहली दिवाली थी। सो आप लोग सोच रहे होंगे भाई इतनी सारी शॉपिंग कर ली फिर वीडियो नहीं आई, मतलब दिवाली की, तो भाई ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हम सेलिब्रेट नहीं किया। दिवाली तो आती जाती रहती है। हाँ, लड़ाई उड़ाई हम लोग का नहीं हुआ है। जो हम लोग मूर्ति है उसको हम लोग रख दिए हैं, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे या फिर ऐसे अपने पूजा करके रख लेंगे। देखिए ऐसा होता है कि अभी जो है जब सब सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी उसके बाद हम छोटे सा खुद ही अपने घर में पूजा करके खुद ही स्थापना कर लेंगे अपने आप ही, क्योंकि करना ज़रूरी भी है। हाँ, गणेश लक्ष्मी जी हम लोग आए थे तो हमारे सोचे कि मंदिर में दिवाली पे एक्चुअली रख गणेश जी लेंगे। लक्ष्मी जी है नहीं। हाँ, तो दिवाली के लिए हम लोग नहीं लिए कि चलो दिवाली पे वो करेंगे, सपना करेंगे, दिवाली पे ऐसा हो गया तो कोई नहीं, होने के कोई नहीं डाल सकता, इस यही रीजन रहा। और फिर से लोग इंतजार कर रहे थे उस धनतेरस पे, क्यों नहीं ली, क्यों नहीं। मैं बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे क्या हो गया, यहाँ पे अगल बगल के लोगों को भी नहीं पता था। दिवाली वाले दिन लोग मिठाई लेके आए तो पता चला, हम लोग किसी से बोले भी नहीं क्योंकि हम लोग तो लड़ी लगा लिए थे अपने बालकनी में। और ये बोल रहे जाओ लॉरी लगा ली, सबसे पहले तुम ही खोल के रख लो। हम लोग खोलेंगे नहीं, अब वैसे ही है तो है, बट जलाए नहीं, वैसे ही रहा है ना। तो क्या कहना चाहेंगे? कहना कुछ भी नहीं चाहेंगे, बस अब हर किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हो जाते हैं समटाइम चीज़ें, कभी यार चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। सोचते हैं कई बार आप चीज़ें कुछ ऐसे करें पर वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते इस सब चीज़ों में, जो लिखा होता है वो तो होता ही है। सही बात है। सो ऐसा नहीं होता कि आप ने ये हो गया तो हो गया, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। चीज़ें किसी की भी तबीयत ख़राब हो सकती है, एटलीस्ट हमारी भी तबीयत ख़राब होती है। मैं खुद 3 दिन से 4 दिन से बीमार हूँ, इनको इंजेक्शन भी लगाया मेरा 2 दिन पहले। दो इंजेक्शन लगे हैं मुझे, तो क्योंकि अभी भाई सीजन ही चल रहा है, आप
आप लोग भी अपने आप को बचा के रखिए। दिवाली वाले दिन आपको फीवर था, उस दिन भी लोग बोल रहे थे कि तबीयत खराब, फिर जी जो मेरे को ज्यादा पसंद करते थे ऐसा है ये बहुत मेरे को करती है, हर ब्लॉग देखते थे कि वो लोग देखेंगे तो कमेंट कर देंगे वो, अरे पिता है, बहुत सारे लोग हैं जो एकदम माने हर वीडियो पे कमेंट आना है आना है। कुछ लोग हमारे तो जैसे उनके 35,000 यूट्यूब सॉरी इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स है, 37,000 50 के भी होने वाले हैं। हाँ। तो उसमें से 2,500 जो है वो बहुत खास लोग हैं। हाँ। जो कि बेसब्री से इंतजार करते हैं कि हमारा ब्लॉग कब आएगा, वीडियो कब आएगा, वो तो मैसेज आने लगता है इनबॉक्स भरता है कब आएगा कि भाई कब आएगा कब आएगा, फिर ना वो आपको बोल रही है जीजू की ना नजर लग गई है, नजर उतार रही है, वो नहीं जानती है ना, फिर हम पर्सनली मैसेज नहीं किए, रीजन रहा हम बोले कि ब्लॉग ही डाल देंगे सबको समझ में आ जाएगा। तो उन कुछ लोगों को लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब है ना, इसमें आँख सूजा सूजा दिख रहा है, जैसे इंजेक्शन लगाए थे, तो लोग वो लग रहा है ना कि उस वजह से दिवाली नहीं मनाए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, फीवर आते जाता रहता है, थोड़ा सा गले में इनको दिक्कत हो गया हुआ है मेरे तो भाई, ये एक्चुअली जब मौसम चेंज होता है अपने आप फीवर वगैरह हो जाता है। सो ये वायरल चीज़ है, इसको आप पर हाँ एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर ले एक बार अपने जो भी नियर बाय हो, खुद कोई मेडिसिन ना ले क्योंकि आजकल बीमारियाँ बहुत है। अभी ठीक है ना, अभी ठीक है, दवा ले रहे हैं अभी हम, अभी मेरी मेडिसिन चल रही है कंटिन्यूसली। हाँ। सो अभी आपको लग रहा होगा मेरा गला बैठा हुआ है, हाँ तो बैठा हुआ है, 4-5 दिन हो गए। विक्स की गोली लाओ, खिंच खिंच दूर करो, ये भी खा रहे हैं। हाँ भाई विक्स की गोली खानी पड़ रही है। अब भाई कंटिन्यूसली तो मैं खांसी की सिरप पी नहीं सकता ना, जो डॉक्टर ने बोला 2 बार पीनी है सुबह शाम को, अब बीच बीच में खराश होती है तो भाई फिर लेनी पड़ती है विक्स की गोली। तो दोस्तों का डाउट जो है दूर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग डाउट में थे, हम लोग बोल रहे थे कि लड़ाई कर लिया ले क्या है, लोग तो जज करते हैं ना उस चीज़ को कि हुआ क्या। भाई हमारे यहाँ पे ना सिस्टम थोड़े अलग अलग है। हाँ। जैसे जैसे मेरे दादाजी जो है एक्सपायर हुए मंडे को, और मैं मंडे को पैदा हो गया तो मान कट गया, हमारे पास मान का सिस्टम चलता है। ऐसे होता है, मंडे को पैदा हुआ तो मान कट गया हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा। तो जैसे जो जिस दिन एक्सपायर होता है फिर जिन कोई पैदा हो गया तो वो मान कटता जाता है। अच्छा। सो वैसे तो ये जो हमारा मतलब जो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जो खून का रिश्ता होता है उसमें ज़्यादा मान रखते हैं, मतलब जो कजन ब्रदर्स होते हैं, कजन के जो रिलेशनशिप, हमारा रिलेशनशिप बहुत बड़ा है, फैमिली बड़ी है। हाँ, उसमें उतना नहीं देखते, फिर वो अपना अपना देखते हैं, क्योंकि फिर ऐसे देखेंगे तो भाई कोई ना कोई दिन तो दोस्तों पूछिए कि इन लोगों का दिवाली कैसा गया। हाँ सर भाई आप लोग बता देना आपकी दिवाली कैसे गई। हाँ, और हम उस दिन वीडियो ही देख रहे थे दिवाली की, क्योंकि हम खुद तो घर में बैठे हुए थे तो भाई दूसरों की वीडियो देख रहे थे। हाँ, अब ये है ना कि रेडी भी नहीं हो सकते हैं, इसमें होता है सिंदूर भी नहीं लगाना होता है, बाल वाल भी नहीं लगाना होता है, तो फिर नीचे जाने में भी अच्छा नहीं लग रहा था कि नीचे जाओ तो लोग देखेंगे कहेंगे बताओ कैसे आई है, लोगों को थोड़ी पता क्या है ना, फिर हम लोग नीचे भी नहीं गए, अभी ये थोड़ा सा नीचे दिन में घूम कर थोड़ा सा आ गए थे, शाम के भी नहीं गए ना। सो वैसे तो भाई मैंने डिसाइड किया था कि हमने भाई बाकी शॉपिंग जो दिवाली से एक दो दिन पहले कर लेंगे, सो हम जाने वाले थे बट उससे पहले ये सब सारी चीज़ें हुई तो हम नहीं जा पाए। सो भाई यही थी मतलब जो भी था हमने बता दिया आपको। हाँ। कि ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से हमने दिवाली या फिर छठ पूजा की कोई वीडियो नहीं आई, या धनतेरस की वीडियो नहीं आई, अदरवाइज आती जरूर। खैर आप अच्छे से आ दे, बहुत तैयारी किए थे लोग। हाँ, क्योंकि पहली दिवाली थी बहुत तैयारी की थी, बट ऐसा कुछ चलो कोई नहीं, अब तो वही होने को टाल नहीं सकता, तो नेक्स्ट ईयर हम अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे और आपको जो चीज़ है अच्छे से डिस्कवर करेंगे। इसके बाद काफ़ी सारे त्यौहार, जरूरी नहीं है कि त्यौहार है, और भी त्यौहार है। तो दोस्तों आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में ना, तब तक दोस्तों बाय 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 बाय। हाँ, और छठ पूजा का ब्लॉग क्या बोले, छठ पूजा का ब्लॉग नेक्स्ट ईयर आएगा नेक्स्ट ईयर आएगा।